आज आपको पता है कि पूरे दुनिया में हमारी चर्चा क्यों है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड के सब देशों में हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा, मिस्टर गडकरी कैन यू टेल मी, बोला क्या बात है सर, बोले ये जो आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में इनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, इतने होशियार कैसे हैं। अवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मेरा सपना है कि $1 per kg हाइड्रोजन आना चाहिए, तो $1 = 80 रुपये पकड़ लो, तो उसमें 450 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 80 रुपये में 450। ग्रीन फ्यूल। अब हाइड्रोजन बनाना इतना आसान है कि आप में से बहुत से लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे, हमको सब में प्रयास करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में जरूरत ही नहीं, क्यों हम इंपोर्ट करें, क्यों प्रदूषण करें। और इसलिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये तैयार करते समय जो जनरेटर सेट लगता है 500 बार पर करने के लिए, वो हम लोग इथेनॉल के जनरेटर पर चलाएं जो 65 रुपये 60 रुपये लीटर। 26 ग्रीन हाईवे बना रहे, ऐसे रोड ऐसे ऐसे घूम के अब सीधे बना रहे, तो नेचुरल रोड डिस्टेंस कम होगा। अपना किसान ही अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दें और वहाँ ट्रक और बसेस आए भर दे ग्रीन हाइड्रोजन, चला खत्म हो गया। किसान इधर इधर गेहूं चावल भी करेगा, उधर हाइड्रोजन भी बेचेगा, तो इकोनॉमी में किसान है इतना धनवान बन जाएगा कि उसका जैसे इसराइल में है एयर कंडीशन बंगला मर्सिडीज गाड़ी लेकर वो अपने गांव और खेत में रहेगा, तो क्यों दिल्ली मुंबई कलकत्ता आएगा। आज आपको पता है कि पूरे दुनिया में हमारी चर्चा क्यों है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड के सब देशों में है। मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा, मिस्टर गडकरी कैन यू टेल मी, बोला क्या बात है सर, बोले ये जो आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में इनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, इतने होशियार कैसे हैं। अवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि विज्ञान तंत्र विज्ञान को भी आगे डेवलप करना है, स्टार्टअप में हमें नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो पीपल लाइक यू वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट्स कि कौन से क्षेत्र में क्या करना चाहिए, और उसके आधार पर भविष्य के देश की निर्मिति अगर होगी तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत तो बनेंगे ही, पर विश्व के नंबर एक की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। वो ताकत हमारे देश में है, वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, पर हम वी विल बी द रिच नेशन विथ ए रिच पॉपुलेशन। कठिन है पर असंभव नहीं है। क्योंकि कोई देश में काम ही नहीं करने देता, रोड बनाओ बोलते आप, बहुत अच्छा है बंदे भी चाहिए, पर रोड बनाओ करके कोई नहीं आता, काम बंद करो, स्टे लगाओ, पेड़ मत काटो तो जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट का स्टे, सबका स्टे, जैसे कोई पाप कर रहे, जो आता वो रोकने के लिए आता है। द इन्वायरमेंट इन अवर कंट्री इज नॉट प्रो एंड पॉजिटिव फॉर द डेवलपमेंट। इसका मतलब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं अभी NHI में 5 करोड़ पेड़ लगा रहा हूँ, अभी काफ़ी पेड़ों को 1 लाख पेड़ अभी ट्रांसप्लांट किए, ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ये गुड़गांव के पास, तो उसको हमने 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, अभी वो पालखी मार्ग बना रहे, सब जगह ट्रांसप्लांट किए, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में 4 धाम है, वहाँ भी मैंने कहा नहीं पेड़ नहीं काटना ट्रांस, मैं भी हूँ। अभी हमने 80 रुपये का एक पेड़ 3 मीटर हाइट का और 75 लाख पेड़ खरीदी किए राजमुंद्री से आंध्र प्रदेश से, और हम लोग पूरे रोड को ग्रीन कर रहे हैं, और मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं बिल्कुल उसके बारे में संवेदनशील हूँ। तो निश्चित रूप से हमें इकोनॉमी भी चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी चाहिए, दोनों के बीच में समन्वय करना पड़ेगा। तो आज स्वाभाविक रूप से हमें प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में कम करना चाहिए। अभी हमारी ट्रांसपोर्ट की अगले महीने सब मंत्रियों की मीटिंग है, मैंने 2 सुझाव देने वाला हूँ। एक कि गाड़ी का हॉर्न जो होता है इतना साउंड पोल्यूशन करता है, बांसुरी बजे, माउथ ऑर्गन बजे, कोई मंजूर स्वर आए जगाने के लिए, तो मैंने कहा ये साउंड पोल्यूशन को कान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मैं गंगा में था बिहार में, मैंने पटना को 5-6 हज़ार करोड़ दिए, कितने प्रोजेक्ट दिए मैंने, पूरे गंगा को शुद्ध करने के लिए 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। काली नदी, वो मुझे नाम मालूम नहीं, ज़्यादा उत्तर भारत में कम घुमा हूँ, कानपुर में एक फापामऊ नाला है, वो नाले में देखा मैं सब काला पानी ऐसा बड़े इसमें पूरा गंगा में जा रहा था। हमने सब जब कुंभ हुआ तो सभी साधु संन्यासियों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिया कि पहली बार लोग गंगा का पानी पी रहे थे। हम 26 ग्रीन हाईवे बना रहे, ऐसे रोड ऐसे ऐसे घूम के जब सीधे बना रहे, तो नेचुरल रोड डिस्टेंस कम होगा। तो मेरा आपको यही कहना है, जैसे वाटर ग्रिड हमारे पास नहीं है,
रस्ते का रस्त पावर ग्रिड है, रोड ग्रिड है, पर वाटर ग्रिड नहीं है। बिहार में बरसात आती है, बहुत बरसात आती है तो वहाँ बाढ़ आता है तो यूपी में सूखा पड़ता है, यूपी में पानी आता है तो बिहार में सूखा पड़ता है, दोनों में पानी आता है तो राजस्थान पानी पानी करता है। तो हमने ये कहा कि क्या इज़ इट पॉसिबल, ये बहुत बड़ा प्लान है, इसके ऊपर अलग एक कार्यक्रम रखिए आप। एक रीजन का पानी, एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में ले जाना। अभी केन बेतवा आई, अब एक कितना बड़ा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश बहुत ही सूखाग्रस्त है, एक इससे बुंदेलखंड हरा हो जाएगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि पानी में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जहाँ इरीगेशन है, आप भाग्यवान है बिहार में, आपको हमारे यहाँ 450-500 फीट पानी नहीं लगता, तो हम क्या कर रहे हैं, नदी नालों का डिपनिंग कर रहे हैं और मिट्टी निकालते हैं और पानी कॉन्जर्वेशन करते हैं। हमने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और अभी मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूँ, तो मुझे दो डिलीट मिली और दोनों डिलीट जो मिली है बड़ी 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 यूनिवर्सिटी, एक पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला और दूसरा शिरडी के पास महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के विद्यापीठ है, मान्य शासन मान बड़े राहुरी महात्मा फुले एग्रीकल्चर, दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर साइंस के लिए मुझे डिलीट दी, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरी पैशन है, मैं उसी में काम करता हूँ। तो अब ये ड्रोन्स आ गए। अब आपको बताता हूँ, इतनी सिंपल बात है कि हमने नैनो यूरिया बनाया, नैनो मिश्र खत बनाया। अब यूरिया जब एक एकड़ गन्ने में लगता है तो 4 बोरे लगता है तो फेंकते हैं, तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। अब नैनो यूरिया एक 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 बोरा जो 50 किलो का, उसके ऊपर एक 500 ml की बोतल। अब बिहार में शुरू करिए, अब वो जो ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा, तो 4 के बजाय 2 ही बोरे लगेंगे, 2 ही बोतल लगेगी। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। मिश्रकत भी आए, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी दवाई ऐसी मारी जाएगी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें लोगों तक ले जानी है। मैं नागपुर में मैंने एक हॉल बनाया, ऐसा इतना ही बड़ा हॉल है, 2,500 लोग बैठते हैं और ऊपर में पूरा सोलर लगा दिया, एयर कंडीशन हॉल है, तो 80 कार्यक्रम की बिजली नहीं लगती, फोकट में होते हैं, क्योंकि जो बिजली तैयार होती है उससे एयर कंडीशन और सब बिजली उसी से आती है। अब आने वाले समय में सब सोलर में काफ़ी हुआ है, तो हमको ये 60%, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल बनना है तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमको सोलर पावर बढ़ानी है, जगह पड़ी है, रूफ टॉप सोलर है, फैक्ट्री के ऊपर, घर के ऊपर, सब लोग लगा रहे, अब पंप आ रहा है। और आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ तो मेरे पास ही अभी ऑटोमोबाइल और बाकी सब बातें हैं, तो मैं अधिकृत रूप से ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तस्वीर में ये जो 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है, इसमें 10 लाख करोड़ अगर किसानों के पास जाएंगे तो इस देश का किसान का पर कैपिटा इनकम, GDP, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रीज गाँव में इतनी बनेगी कि गाँव गरीब मजदूर और किसान समृद्ध और संपन्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश में चाहे पश्चिमी होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, पूरा गन्ना है, उत्तर प्रदेश की रूरल इकोनॉमी गन्ने पर डिपेंड है। एक कुशीनगर की आप बात कर रहे हैं, उधर भी गन्ना ही है, और इसलिए गन्ना उत्पादक किसान इथेनॉल बना सकता है। और इसलिए अभी इथेनॉल हमने पेट्रोल में हम अभी 10% डाल रहे हैं, ये कम से कम 20% डालने का निर्णय, पर इथेनॉल ही उपलब्ध नहीं है। मैं शहनवाज हुसैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बिहार के मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से उठाया और बिहार में उन्होंने इथेनॉल के प्रोडक्शन की शुरुआत की। मैं जब जब भी बिहार जाता हूँ BJP का अध्यक्ष था तब से मैं बोलता हूँ, पर हमारे देश की एक समस्या है कि आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ को कोई जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, और ये स्वाभाविक है। मैं एक दिन खाना खा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि आप बोलते हो, मैंने सुना है कि आप पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, तो आपकी बातों पर तो मेरा ही विश्वास नहीं है, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने तुरंत टोमेटो इंडिया के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ये गाड़ी हाइड्रोजन पे चलने वाली मुझे चाहिए। बोले, मैंने बोला वो मैं सब कानून फानून सब मैं बराबर करूँ, मुझे गाड़ी पे जाइए उसकी, और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, मिराई। मिराई में जापानी में मिराई नाम है, हिंदी में उसका नाम है भविष्य। और वो गाड़ी जो है वो मैंने लाई है, मेरे पास है अभी, और वो हाइड्रोजन पे चलती है।
और मेरा सपना है कि $1 per kg हाइड्रोजन आना चाहिए। तो $1 यानी 80 रुपये पकड़ लो, तो उसमें 450 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 80 रुपये में 450 ग्रीन फ्यूल। अब हाइड्रोजन बनाना इतना आसान है कि आप में से बहुत से लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे। अपने गांव में मेरी कल्पना है कि किसान एक गोडाउन बना ले बड़ा, फ्रूट वेजिटेबल के लिए स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, अनाज रखने के लिए चाहिए, ऊपर सोलर लगाए। तो 70% पावर ग्रीन हाइड्रोजन में पावर है। अभी हमारे मैंने लॉन्च की फैक्ट्री बंगलोर से, अभी 90% प्रोडक्शन अमरीका जा रहा है, और वही इलेक्ट्रोलाइजर पानी में डाल दो तो उससे सोलर को यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। और ये जो मक्के से, ब्रोकन राइस से, बायोमास से ये जो इथेनॉल बनता है ग्रीन फ्यूल जो किसानों का है, उसका जनरेटर सेट होगा। कल ही उन्होंने बुझाया, अशोक लेलैंड अब ट्रक बसेस बना रही है और मिथेनॉल का जनरेटर किर्लोस्कर ने बना दिया है। तो ये तो 22 रुपये लीटर है मिथेनॉल, और डीजल कितना है 110 रुपये। हमारे देश में कोयला ही कोयला पड़ा हुआ है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG और इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारे देश में हो सकता है। हमको सब में प्रयास करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में जरूरत ही नहीं, क्यों हम इंपोर्ट करें, क्यों प्रदूषण करें। और इसलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये तैयार करते समय जो जनरेटर सेट लगता है 500 बार पर करने के लिए, वो हम लोग इथेनॉल के जनरेटर पर चलाएं जो 65 रुपये 60 रुपये लीटर है। वो डीजल का जनरेटर 110 रुपये डीजल लगेगा, और बस उसको भर के अपना किसान ही अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दें और वहाँ ट्रक और बसेस आए, भर दे ग्रीन हाइड्रोजन, चला खत्म हो गया। किसान इधर गेहूं चावल भी करेगा, उधर हाइड्रोजन भी बेचेगा, तो इकोनॉमी में किसान है इतना धनवान बन जाएगा कि उसका जैसे इसराइल में है एयर कंडीशन बंगला, मर्सिडीज गाड़ी लेकर वो अपने गांव और खेत में रहेगा, तो क्यों दिल्ली मुंबई कलकत्ता आएगा जब उसके पास पैसा है। ये जो 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है, इसके 10 लाख करोड़ किसानों में जाएंगे, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी।